पानी हमेशा मिलता रहेगा लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेगा। इसके लिए जो बच्चे बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्लोगन्स भी बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं। मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूँ और आप सबको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, आप सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और जिन लोगों को यहाँ पुरस्कार मिलेगा उनको एडवांस में उनको बधाई देता हूँ, और जिन लोगों को पुरस्कार नहीं मिल पाया है, खाली पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी एक आपका अच्छा काम है। समाज में जो भी काम हम कर रहे हैं हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ इसका प्रतिदान मिलेगा, अगर पार्टिसिपेशन भी है तो वो भी एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। भारत को देश के साथ साथ एक महादेश भी कहते हैं, क्योंकि इतनी विशालता है, इतनी विविधता है इस देश में कि एक महादेश जैसा, जिसमें इतनी संस्कृतियां हैं, इतने रीत रिवाज हैं, तरह तरह के लोग हैं, और ये पूरा विश्व ये समझता है या समझता था कि भारत कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा 1947 के बाद, इस देश का भविष्य क्या होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये देश अब एक महाशक्ति बन चुका है, एक सुपर पावर जिसको कहते हैं, और अगर सुपर पावर बनाने में भारत को किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है तो विज्ञान ने दिया है, और विज्ञान के बल पर ही भारत महाशक्ति बन सका है। इसलिए विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, विज्ञान का ही चमत्कार है कि इतने अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सबके लिए अन्न उत्पादन होता है, सबके लिए सभी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार विज्ञान का है। और भारत के जो भी वैज्ञानिक हैं जिनके संबंध में अभी आपने ब्रोशर का भी यहाँ पर विमोचन कराया, भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं या पूर्व में रहे हैं उन सबके प्रति भी हमको नमन करना चाहिए, और जो उनकी देन है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसका भी स्मरण करना चाहिए। विज्ञान के साथ साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चीज़ को और बहुत ही जोर शोर से कहा करते थे और लिखा करते थे, उस चीज़ का नाम है साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी प्रदर्शन हुआ कि एक कागज में आग लग गई तो अंधविश्वासी आदमी समझेगा कि कोई चमत्कार हो गया, जादू टोना हो गया, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच का आदमी है वो तर्क वितर्क करेगा कि इसमें क्यों आग लगी, कौन सा केमिकल है या कौन सी किस क्रिया की क्या प्रक्रिया है। इसलिए देखिए वैज्ञानिक सोच की बहुत आवश्यकता है। मैं जब कहता हूँ कि भारत एक महाशक्ति बन गया है तो साथ में बहुत सा एक ऐसा भी काम है, बहुत सी एक ऐसी भी सोच है जिसका भी मुकाबला करना है। अगर सोच वैज्ञानिक नहीं होगी, दकियानूसी सोच होगी, अंधविश्वासी सोच होगी, तो देश को आगे ले जाने का काम अच्छी तरीके से नहीं हो सकेगा। अभी भी इस युग में भी बहुत से लोगों की सोच जो है अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, और इस काम को नई पीढ़ी कर सकती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस अवसर पर जल संरक्षण के संबंध में विशेष रूप से कार्य हुआ है, प्रचार प्रसार का काम हुआ है, इसके लिए अवेयरनेस का काम हुआ है, और बच्चों ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई है, मॉडल्स बनाए हैं। देखिए जहाँ पर जिस देश में इतने लोग रहते हैं, जिस प्लेनेट में हम निवास करते हैं, पृथ्वी पर जहाँ पर इतने अधिक लोग रह रहे हैं और सबको जिस तरह की जीवन शैली चाहिए, तो उसको देखते हुए कोई भी संसाधन, दुनिया का कोई भी संसाधन हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसी का कारण है कि तरह तरह के संकट आ रहे हैं, और जो भी संकट आ रहे हैं मनुष्य के जीवन में, वो मनुष्य का प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से संकट आ रहे हैं। जो आप मौसम में, जो पर्यावरण में, जो अपने जो नियमित जीवन में जो आप देख रहे हैं संकट, वो सब इसलिए है कि मनुष्य का और प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो गया है। प्रकृति का इतना अधिक दोहन हम लोगों ने कर लिया है कि आगे आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, और सबसे बड़ा जो संकट होगा, देखिए आप पढ़ते होंगे कि विश्व के जो सबसे 10 प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के सर्वाधिक शहर हैं। जिला विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी जो कि विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, उसमें बहुत अच्छे मॉडल चयनित हुए हैं। इसमें हमने
आईपीआर सेंटर के विशेषज्ञों को बुलाया गया, इनोवेशन सेंटर के विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने कुछ मॉडल चयनित किए हैं जिनके पैटेंट की कार्रवाई चल रही है। इसमें विशेष रूप से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मॉडल तैयार किए गए थे। इसके साथ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा कल क्विज के द्वारा मतदान जागरूकता भी दी गई और आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रदर्शनी को समाप्त किया। सर, धन्यवाद। चाहेंगे कि कहां-कहां के विद्यालय यहां पर शामिल हो, बच्चे इसमें पूरे जनपद के सभी विद्यालयों में सूचना दी गई थी। 63 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया और सभी ब्लॉक्स में प्रतियोगिताएं कराई गई, सभी स्कूलों में कराई गई। उसमें चयनित जो विशेष बच्चे थे वो सब जगह से प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें जो फर्स्ट आए हैं उनको कहाँ तक ले जाने का? जो फर्स्ट बच्चे आए हैं इसमें एक हमारा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है अभी अहमदाबाद में, गांधीनगर में, और वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी जो है उसको सम्मानित करेंगे। 15 मार्च को उनका कार्यक्रम होगा।